Hi guys, welcome back to Zacademy in another episode of University of Agriculture Faisalabad Undergraduate Admission Test Preparation Series 2024 and video number 3. इससे पहले हमने 100 most important MCQs, the repeating MCQs English के upload किए थे और उसके साथ साथ biology और complete psychology आप लोगों को समझाई थी और उसके बाद आपको जो है वो चीज़ें practically prove करके दिखाई थी. इसके साथ साथ आज के एपिसोड में हम आपको बड़ा important subject जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है. 25 एमसीक्यूज होते हैं इसके, चाहे वो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसकी बायोलॉजी स्ट्रीम है, चाहे इंजीनियरिंग स्ट्रीम है. तो फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें गलत करते हैं. कुछ जो साइकोलॉजी होती है उसको पता नहीं होती. तो ये आज के एपिसोड में आपको कंप्लीट फिजिक्स की जो UAF एंट्री टेस्ट के अंदर जितने भी MCQs आते हैं उनकी कैटेगरी बताई जाएगी. उसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि आपने किस तरह प्रिपेयर करना है. ये नहीं करना कि आपने सीधा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह प्रिपरेशन शुरू कर देनी है. सिंपली आपको जो चीज़ें आती हैं, जिस तरह आती हैं, आपने उसी तरह उनको प्रिपेयर करना है. ठीक है, टू द पॉइंट प्रिपेयर करना है. आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है. ठीक है, आपने इन थोड़े से टाइम के अंदर पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को कवर करना होता है, तो आपने इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी होती है. ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि ये जो MCQs निकाले गए हैं ये 100 MCQs हैं थ्रू आउट द पार्ट वन एंड पार्ट टू. ठीक है, लेकिन अब ये जो 100 MCQs हैं ये सभी चैप्टर्स में से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं. ठीक है, आप लोगों को जो है वो कैटेगरी समझाने के लिए, आप लोगों को साइकोलॉजी समझाने के लिए. लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि जी एकेडमी 2023 के बाद 2024 की भी UAF अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट कर चुकी है, जिसमें जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो रिपीटिंग MCQs हैं और जो फैसलाबाद बोर्ड में आते होते हैं, वो इसके साथ साथ जो गेस्ट MCQs होते हैं वो सारे चैप्टर वाइज डिज़ाइन करके दिए गए हैं. स्टूडेंट्स यहाँ से प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ होती है इनकी मॉक टेस्ट, वो कंडक्ट किया जाता है डेली बेसिस पे और इनके रिजल्ट्स आते हैं. अभी जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, अब कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं की जा रही और स्टूडेंट्स जो है अब माशाल्लाह जो FLPs है, फुल लेंथ पेपर्स हैं, उसमें भी अपीयर और कुछ ये जो एक सेक्शन है उसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जी एकेडमी का फर्स्ट सेशन जो है वो ज्वाइन किया और जो टेस्ट सेशन है उसमें अपीयर हो रहे हैं. इनके रिजल्ट्स जो है वो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं इंशाल्लाह. इसके साथ साथ हम सेकेंड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो भी अनाउंस करेंगे. सेकेंड एंट्री टेस्ट जो है वो 14 जुलाई के बाद जो है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग उसमें भी अपीयर हो सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता हो तो मोर देन वेलकम है, अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमम जो है वो करना चाहता हो. ठीक है, तो अभी वीडियो की तरफ वापस आते हैं. आप लोगों को MCQs की कैटेगरी बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होती हैं. ठीक है, जिस तरह मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड. ठीक है, एक स्टेटमेंट है. इस तरह की MCQs स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो काफ़ी आती होती हैं. ये तकरीबन 9 से 10 MCQs जो हैं वेरी कर जाती हैं, 10 से कम भी आती हैं 25 में से. ठीक है, तो ये वो कैटेगरी है जो MCQs का एक तकरीबन 15-20% जो है वो आता होता है. इसके बाद देखें जो वैल्यूज़ बेस्ड हैं, वैल्यूज़ बेस्ड MCQs अगर मैं यहाँ पे आपको 15 नंबर MCQs की तरफ लेके जाऊँ तो ये देखें द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ बेस्ड MCQs जो हैं ये भी MCQs काफ़ी आते हैं. ठीक है, फिजिक्स का नाम ही इस तरह के MCQs. अब देखें ये जो वैल्यूज़ हैं, फिर डायमेंशंस हैं, ठीक है, डायमेंशंस और यूनिट्स हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है काफ़ी. इन दोनों कैटेगरीज में से एटलीस्ट 5 MCQs लाजमी आते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं सैंपल तो 3 और जो 8 है, देखें ऐसे यूनिट ऑफ टॉर्क. अब ये टॉर्क जो है इसका ऐसा यूनिट अगर किसी को फार्मूला आता हुआ तो तभी जो है वो इसको अटैम्प्ट कर पाएगा, उसका यूनिट जो है वो बता पाएगा. इसके बाद देखें एन अल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इसका अल्टरनेट यूनिट क्या है आपको पता होगा तभी आप इसको जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे. ये भी कैटेगरी है, आपने इन कैटेगरीज को सामने रख के फिर पढ़ना है, चैप्टर्स को पढ़ना है, चैप्टर्स को रीड करना है, ना कि लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना शुरू कर दें आप. ठीक है, इसके बाद एक फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज वाला भी काफ़ी MCQs हैं वो आते हैं. अगर लाइक 22 MCQs अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे द पीरियड ऑफ ए सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय. ठीक है, तो ये भी फार्मूला होता है जो आप लोगों को जिसको आता है, जिसने अच्छे से रीड किया हुआ है. उसके बाद देखें सर्कमफेरेंस सबटेंड्स एन एंगल. अब सर्कमफेरेंस का एंगल क्या होता है, ये भी जिसने पढ़ा हुआ है फार्मूला को रीड किया हुआ है, जो बच्चा अच्छी रीडिंग करेगा. ठीक है, और सिर्फ जो नेसेसरी चीज़ें उसको पता है कि MCQs की कैटेगरी ये 5 है, इनके हट से कोई MCQs नहीं आता,
उसके बाद है जी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये लाजमी आते हैं चाहे 25 एम सी क्यूज में से कोई और एम सी क्यू हो ना हो, लेकिन ये एम सी क्यूज हैं वो लाजमी आते हैं। इनकी रेशो जो है वो 3 से 4 एम सी क्यूज हैं वो लाजमी बनते हैं, 5 भी बन जाए तो इसमें कोई कबात नहीं, क्योंकि ये फिज़िक्स के एम सी क्यूज हैं वो इसी में होते हैं। और जो चीज़ डिसाइड करती है यूएफ एंट्री टेस्ट के अंदर मार्क्स, मैं उसको ये समझता हूँ कि वो फिज़िक्स का पेपर होता है और उसके साथ साथ मैथ्स वालों का मैथ्स का पेपर होता है। तो इसमें आपने बड़े ही ध्यान से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, आपको जितने भी फार्मूलाज हैं इसके लिए याद होने चाहिए, उसके बाद आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को जब अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके ये देखें एम सी क्यू नंबर 4 और 5 है, ये एम सी क्यूज न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, इसमें काफ़ी डाटा यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड का मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे वही एम सी क्यूज सेट करके दिए हैं जो काफ़ी जो है वो रिपीट होते हैं और इनका लेवल जो है वो इतना आसान नहीं है, काफ़ी मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे एम सी क्यूज का जो की है वो नीचे गिवन है, आप उसको देख सकते हैं, एंड पे पार्ट 1 का अलहदा सेक्शन किया गया है, पार्ट 2 का अलहदा किया गया है, इनकी कीज़ आप लोग देख लीजिएगा, और इसका PDF भी नीचे मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर दूंगा। तो इसको आपने एनालाइज करना है, ना कि ब्लाइंडली सिर्फ ये कह दें कि ये 100 एम सी क्यूज हैं इनमें से 25 आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर कोई बच्चा इस तरह सोचता है। तो आप लोगों को ये एम सी क्यूज देने का मकसद ये होता है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि टेस्ट होता किस तरह का है। ये भी तो बड़ी गनीमत होती है कि आपको वहाँ का जो टेस्ट होता है उसका पता चल जाए, ठीक है, उसकी कैटेगरी का पता चल जाए। ठीक है, और अब बात आती है कि प्रिपेयर किस तरह करना है, तो प्रिपेयर करने का आसान सा तरीका ये है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन बेस नहीं पढ़ना, आपने न्यूमेरिकल बेस पढ़ना है, एक्सरसाइज कीज पढ़ें, उसके बाद जो है आप देखें टेस्ट योरसेल्फ कुछ होते हैं, टिडबिट्स होते हैं, उनको रीड करने से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, और इसके साथ साथ आपने जो बोर्ड पेपर्स होते हैं मेनली फैसलाबाद बोर्ड जो कि हमने भी प्रोसेस किए हुए हैं, और यूएफ एंट्री टेस्ट पास पेपर्स हैं, आप लोगों को कुछ लिमिटेड प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन हम जो जी अकेडमी ने प्रोसेस करके जो है वो क्वेश्चन बैंक में ऐड किया, उनको भी रीड करें, उनको भी एनालाइज करें और अपनी अच्छी तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 40% है आपके जो मेल्ट फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करना, इसको याद करना बड़ा अच्छे से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं, यूएफ एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटेरियल आ गया, गाइडेंस सेशंस आ गए, उसके साथ साथ आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स होगी, रिजल्ट्स कब आने हैं, मेडल लिस्ट कब लगेंगी, वो सारी जी अकेडमी चैनल के ऊपर आएंगी। आपने ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप अपडेटेड रहें। सो आज की वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के साथ हाज़र होंगे, अगले गाइडेंस सेशंस के साथ हाज़र होंगे। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।